बीते दिनों शांतिनगर स्थित राम सुमेर नगर में रहने वाली रीमशान नाथ अमन मनिहार ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से पीड़ित होकर आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लिया। बताया जाता है कि आरोपी जालना निवासी याकूब उर्फ अमन मनियार को उसका पूरा परिवार पीड़िता को आए दिन दहेज के नगद लाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहता था और इसी से त्रस्त होकर पीड़िता ने अपने मायके में यह आत्महत्या का कदम उठा लिया, जिसकी शिकायत शांतिनगर पुलिस ने होते हुए भी आरोपियों को धर दबोचा है। इस मामले में पीड़िता के पिता फरियादी अकबर शेख अहमद ने बताया कि उनकी बच्ची की शादी 27 मार्च 2022 में जालना निवासी याकूब उर्फ अमन के साथ हुई थी। शादी के 2 महीने बाद ही ससुराल वालों ने पीड़िता को उसके मायके दहेज लाने के लिए भेज दिया। ससुराल वालों ने 30 लाख की डिमांड की थी। उनका कहना था कि दहेज से मिले पैसों से वह अपने लड़के के लिए चांदी का बिजनेस डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से वे शादी के दूसरे दिन से ही उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। गौरतलब रहे कि आत्महत्या जैसा कदम उठाने के ठीक 15 दिन पहले पीड़िता के पति ने उसे तलाक का नोटिस भी भेजा था, जो हाथ में लगते ही पीड़िता डिप्रेशन में आ गई। आखिरकार उसने मायके में रहकर यह आत्मघाती कदम उठा लिया। कावरापेट का निवासी हूँ मैं। मेरी बेटी थी रीमशान नाथ, जिसकी शादी 27 मई को हुई थी और 20 दिसंबर को उसने सुसाइड कर ली थी। और मैंने मेरी लड़की को जालना में दिया था याकूब उर्फ अमन मनियार के यहाँ। उनकी कुछ 50 लाख रुपए की डिमांड थी चांदी की दुकान वगैरह डालने के लिए कुछ, तो वो देने में मैं थोड़ा सा नहीं दे पाया तमय में उनके, तो उसकी वजह से उन्होंने मेरी लड़की को घर पर बिठा दिए थे, लेके नहीं जा रहे थे। फिर मैंने ज़बरदस्ती ले जाके उनका ने छोड़ने की कोशिश वगैरह किया, तो उन्होंने हमको हकाल दिए कि पैसे वगैरह नहीं लेकर आए तो उसके बगैर लड़की को लेकर मत आना, तुम्हारे यहाँ रखो। फिर मैं लेकर आने के बाद में मेरे कुछ दिनों के बाद में फिर बातचीत किया, समझाया, लेकिन वो समझे नहीं। फिर लड़के ने उठा के उसको तलाक का लिख कर भेज दिया। तो कुछ दिन मैंने तलाक का छुपाया उससे लड़के से, लेकिन उसके हाथ में लगने के बाद में पहले डिप्रेशन में थी वो नहीं जाने के चक्कर में, फिर तलाक वगैरह जो मिला उसको उससे और डिप्रेशन में चली गई। फिर बाद में उसने 20 तारीख के दिन ये हादसा कर ली। लड़की को तो उन्होंने मैं 15 दिन का पहले समझा बुझा के भेजा, तो 15 दिन रखे, 15 दिन उन्होंने खूब उसको अपने लेवल पे टॉर्चर किए। बाद में मैं जब लेने गया, मेरे को पता चला कि लड़की की तबीयत ख़राब है, तो मैं लेने गया तो मैंने गोद में गाड़ी में डाल के लेकर आया था उसको। उसकी हालत इतनी ख़राब कर दिए थे उन लोगों ने, कुछ भी बीपी आड़ी टेढ़ी गोलियाँ वगैरह दे के उसको, कुछ दूसरी बीमारी फिर नींद के इंजेक्शन दे के, दूसरी बीमारी का नाम लेके कुछ भी उल्टी सीधी दवा दिया, जिससे उसको तकलीफ बढ़ गई थी। बाद में यहाँ मैं नागपुर में लाके दिखाया तो 2 दिन में फिर लड़की मेरी राइट हो गई दवा पानी करवाने के बाद। बाद में फिर उन्होंने ये सब डिमांड पूरी नहीं हुई तो उसको कुछ और नाम दे के अपनी बात को रखने की कोशिश किए थे। उसको तो उसका उसका आदमी भी है, उसका ससरा भी है, उसका देवर है और उसकी एक ननद है फिजा करके, वो तो बहुत ज़्यादा ही थी, वो अभी फरार है। नहीं नहीं उसको ऐसा कुछ भी नहीं था, उसको फिट की बीमारी का उसको पहले का था, उसका ट्रीटमेंट शैलेश पानगांवकर अपने नागपुर के बहुत बड़े डॉक्टर है, उनसे ट्रीटमेंट चालू था। मैंने उनसे पहले मिलकर उसकी शादी की सब बातचीत वगैरह करके सब इनको बताया था और फिट विट से उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके बाद में उसकी दवा भी चालू थी, 1.5 साल का सर्टिफिकेट डॉक्टर ने खुद लिख कर दिया है कि उसको 1.5 साल से कोई तकलीफ नहीं है, आगे भी अगर 24 महीने में अगर ये सही साठ अगर रहा तो उसको कोई तकलीफ होने का काम ही नहीं है। बाकी इन लोगों ने उस चीज़ को इग्नोर करते चले गए, किसी चीज़ की बात माने ही नहीं ना, ये तो अपनी बात पे अड़े हुए थे बस कि पैसे है तो लड़की है, नहीं तो हमको लड़की नहीं रखना है। बाकी डॉक्टर ने खुद चल के इनसे बातचीत करने की कोशिश की है पानगांवकर ने, लेकिन उन्होंने उनसे भी बात करना ज़रूरी नहीं समझे। नहीं पहले वहाँ 15 दिन तो उसके साथ में तो दवा दारू दे के ये किया और उसके साथ में थोड़ा बहुत गाली गलौज, हल्का सा ननंद का टॉर्चर, ये 15 दिन में वो हुआ। बाद में यहाँ आने के बाद में तो वो फ़ोन लगाती थी तो वो फ़ोन लगाने नहीं देते थे, आदमी से बात करने नहीं देते थे, गाली गलौज देते थे, लगाना नहीं फ़ोन, रखना नहीं फ़ोन, तेरे बाप से करने दे ये बस, इस तरीके से फ़ोन पे करने लगे वो। वो अपनी माँ को बताती थी कैसा होगा क्या होगा, तो हम उसको सिर्फ समझाते थे कि बेटा सब ठीक होगा, कर रहे थे वो माँ अपने हिसाब से उसको दिलासा देती थी कि भाई तेरे पापा कर रहे हैं। नहीं वो आदमी से बात करना चाहती थी, उसके आदमी से बात भी नहीं करने देते थे ना उसका बाप, और उसकी ससुराल में तो थी, जब मम्मी से 2-4 बार बात हुई तो वही बताती थी कि ये बोलते हैं कि भाई तेरे बाप ने जो वादा किया था वो निभाया नहीं, कुछ करा नहीं, हम तेरे को रख के रखे हैं, अब तेरा बाप पूरा कर नहीं रहा, इस तरीके से वो मम्मी को बताती थी, वो मेरे को बोली थी। लेकिन मैं बोला ठीक है अपन कर रहे हैं कुछ ना कुछ कोशिश करके, अपन कुछ इंतजाम करेंगे, इस तरीके से बात होती थी लड़की की। शांतिनगर पुलिस स्टेशनमध्ये 21 डिसेंबरला एका नवविवाहितेने आत्महत्या केली होती, त्यासंबंधी आमच्याकडे गुन्हा दाखल झाला होता।
22 तारखेला। त्याच्यामध्ये 3 आरोपी आहेत, 4 आरोपी आहेत एकूण, एक पती, सासरा, धीर आणि ननन असे 3 आरोपी होते। मृतक महिलेचं नाव आहे रिमशानाथ अमन मनियार, वय 23 वर्ष। हिचं लग्न झालं होतं 27 एप्रिल 2022 मध्ये। 27 एप्रिल 2022 मध्ये तिचं लग्न झालं होतं। त्यानंतर तिला लग्नामध्ये हुंडा 50,000 रुपये द्यायचं कबूल केलं होतं तिच्या, म्हणजे दोघां संगनमताने कबूल झाले होते 50,00,000 रुपये हुंडा, आणि फिर्यादी काही ते देऊ शकले नाही, त्यामुळं मुलीला टॉर्चर करणे त्यांचं चालू झालं होतं। आणि मग 2 महिन्यानंतर मुलगी इकडं तिच्या माहेरी निघून आली होती, घरच्यांनी पाठवून दिलं सासरच्यांनी त्यांना, जा हुंडा घेऊन ये म्हणून। मग त्या प्रकरणामध्ये तिनं 21 डिसेंबरला सुसाईड केलं, कारण नवऱ्याने तिला तलाकनामा पाठवून दिला होता, हे त्याचं कारण होतं। आणि ती मुलगी खूप डिप्रेशनमध्ये होती, लग्न झाल्यापासून तिला हुंड्यासाठी त्रास, घरी त्रास, लग्न होऊन मी घरीच आहे या गोष्टींच्या त्रासामुळे ती कंटाळून तिनं आत्महत्या केली। त्या प्रकरणामध्ये आम्ही तपास करीत असताना आम्हाला माहिती मिळाली की ते जालन्यामध्ये एका ठिकाणी आहेत लपून बसलेले, त्या ठिकाणी आम्ही त्यांना तिथे गेलो आणि 3 जणांना आम्ही घेऊन अटक करण्यात आलेली आहे। 3 जणांची नावं आहेत, म्हणजे पती, सासरा आणि हा धीर याकूब मनियार, शरीफ मनियार आणि साहिल मनियार, अशी 3 जणांची नावं आहेत। हो, नंद आहे, तिला पण अटक करणार आहोत आम्ही, तिचा शोध चालू आहे आणि यांना आता न्यायालयात पाठवणार आहोत। फिलहाल इस मामले में पीड़िता के पति अमन मनियार, ससुर शरीफ मनियार, देवर मोहम्मद नईम मनियार को शांतिनगर पुलिस ने जालना से गिरफ्तार किया है, तो वहीं उसकी ननद फिजा मनियार फरार बताई जा रही है। गौरतलब रहे कि दहेज एक सामाजिक बुराई है। दहेज शादी के समय दुल्हन के ससुराल वालों को लड़की के परिवार द्वारा नकद या वस्तु के रूप में दिए जाने वाला भुगतान है। हालांकि सामाजिक कुरीतियों को जानते हुए भी कई लोग इसके बलि चढ़े हैं, बावजूद इसके इस तरह का प्रकार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस समस्या से छुटकारा पाने, लोगों के सामाजिक और नैतिक चेतना को प्रभावी बनाना, महिलाओं को शिक्षा तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना एवं दहेज प्रथा के खिलाफ कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना मददगार हो सकता है। एनबीसी न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।